दिल्ली से फ्लाइट थी, मैं एक ऐसी मां से मिलकर आ रहा हूं जो पिछले 20 दिन से जेएनयू के एड ब्लॉक पे बैठ करके दिल्ली से कह रही है कि मेरा लाल कहां है, मेरा बेटा कहां है, मेरा नजीब कहां है। नजीब एक ऐसा बेटा जो जेएनयू में साइंस का स्टूडेंट था, एबीवीपी के कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई होती है और उसे इतना पीटते हैं 12 लोग मिलकर के, पीटते पीटते कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। सोचिए नफरतें कहां आ गई हैं। दूसरे दिन से 11 बजे से वो गायब है दिल्ली से, प्रधानमंत्री आवास से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर एक देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को जहन्नम तक से ढूंढ के ला देने वाली पुलिस, भोपाल एनकाउंटर के नाम पर 8 अंडर ट्रायल कैदियों को तलाश करके बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह मार देने वाली पुलिस, पिछले 20 दिन से एक ऐसे लड़के को नहीं खोज पा रही है जो दिल्ली से गायब हुआ है। एफआईआर तक नहीं हो रहा है साहब। प्रॉक्टर पूरी बेशर्मी से कह रहा है कि हम नहीं कराएंगे एफआईआर। वीसी कह रहा है कि अगर ज्यादा आंदोलन करोगे तो हम क्रैकडाउन कर देंगे यूनिवर्सिटी। कहां आ गए हम, हालात कहां से कहां पहुंच गए। बहुत इम्तहान, बहुत बुरा वक्त है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। वक्त बहुत बुरा है, समझना है, भूलना है। खामोशी से काम नहीं चलेगा। अगर खामोश रहे तो आने वाली नस्लें नहीं बोल पाएंगी। मैं बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, अब तक जो कुछ कहा वो बस इस नज्म को सुनाने के लिए ही शायद मैं आपका जहन बनाना चाहता था। मैं नज्म पढ़ता हूं। नजीब नजीब नजीब, उस मां से मिला तो उसके बहते हुए आंसू में न जाने क्यों मुझे मेरी अम्मी के आंसू नजर आए। नजीब की जगह मुझे लगा कि मैं गायब हुआ होता तो शायद मेरी अम्मी भी ऐसे ही रोती, आप गायब हुए होते तो शायद आपकी अम्मी भी ऐसी ही रोती। मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी। मेरे आंसुओं के साथ शामिल होंगे तो मुझे लगेगा कि जाया नहीं हुए है मेरे आंसू। जी बिल्कुल, बहुत रोया था मैं उस मां से मिलके लौटते वक्त। दो दिन तक अजीब मन ही नहीं था। आज भी मैं अशफाक साहब से कह रहा था कि आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जेएनयू में। केजरीवाल थे, मणिशंकर अय्यर साहब थे, निवेदिता मेनन थी, प्रकाश करात थे, शशि थरूर साहब थे। मैं आना नहीं चाह रहा था, मुझे उस प्रोटेस्ट में रहना था नजीब की अम्मी के लिए। लेकिन अशफाक साहब से वादा किया था और पहली बार आपके बीच हाजिर होना था तो मुझे लगा कि नहीं, यहां जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है
कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, वाह वाह कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था उनके बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है, कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। क्या कर्ज है, क्या फिक्र है दोस्तों, ये फिक्र है, ये दर्द है, ये शायरी है। उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बन पढ़ता हूँ इस नज़्म का, पढ़ें इमरान साहब। महज 5-6-7 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे टीवी चैनल्स हैं, सारे प्रोमिनेंट लीडर्स के ऑफिसेज हैं, घर हैं, मिनिस्टरों के घर हैं। महोबा में हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं मुस्लिम महिलाओं का हक दिला के रहूंगा, मेरा मन करता है कि मैं उनके घर के बाहर जाऊं, चीख करके उनसे कहूं कि नरेंद्र मोदी साहब अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं, उनका हक दिलाना ही चाहते हैं, तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए वापस अपने भाई। जिंदाबाद इमरान भाई, वाह वाह वाह। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, बेशक
वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के इस देश के तिहाड़ से लौटे हुए एंकर अपने न्यूज रूम में बैठ करके टीवी चैनल्स पे नाग और नागिन की खबरें चला रहे हैं, लेकिन महज 4-5 किलोमीटर दूर उन्हें एक तड़पती हुई मां नहीं दिख रही है। इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि गायब हुए बच्चे का नाम नजीब है। कैसा मुल्क बना रहे हैं साहब आप, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब इसमें से। ये टीवी के अंकल कहां मर गए हैं, बयान करना होगा। वाह वाह वाह। ये टीवी के अंकल कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के अंकल कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अशकों का सैलाब साहब, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। वाह 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 वाह। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, जुल्म था ज्यादति थी इससे पहले भी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पे उतर आई है ना, ये नहीं थी इससे पहले। इसके लिए लड़ना है, लड़ना तो पड़ेगा साला। उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे ला। वाह वाह वाह।